पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं सर। पुष्पा एकमात्र ऐसी मूवी बन चुकी है साउथ इंडस्ट्री की जो कि लॉकडाउन के बाद सबसे बड़ी कलेक्शन करने वाली ये फिल्म बन चुकी है। इसके पहले भी बाहुबली हुई थी लेकिन उसके बाद ये पहली मूवी है जिसका नाम था पुष्पा। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा बात करने वाले कि अपने पावर स्टार सुपर स्टार किस तरीके से इस मूवी में अगर होते तो किस तरीके से अपना रोल अदा करते हैं। उसके बाद साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि लता जी हैं जो कि बहुत ही बड़ी लेजेंड, अपने ही उनका देहांत हो गया है। तो सबसे पहले हमारे तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि और आप लोग कमेंट के माध्यम से एक नमन जरूर लिखें उनके लिए। इसीलिए हमारे चैनल पर दो दिन तक वीडियो भी नहीं आई थी और अच्छा भी नहीं लगता है क्योंकि उनको कोई नहीं भूल पाएगा। उनका सताव और उनकी आवाज़ हर कोई सुनना पसंद करता है, ऐसा कोई शख्स ना हो जो कि उनको ना पसंद करता हो। तो बहुत अच्छी थी वो। अभी दोस्तों अगर बात करें पवन सिंह के प्रोजेक्ट को लेकर के, तो पवन सिंह जी जितने भी प्रोजेक्ट थे सभी का सिलेक्शन का काम हो चुका है क्योंकि लंदन में मौजूद है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं स्टूडियो वगैरह कि वहाँ से रिकॉर्डिंग हो पाए। तो जैसे ही पवन सिंह इंडिया आते हैं मे बी कि 15 फरवरी तक इंडिया आ जाएंगे और 15 फरवरी के बाद जितना भी रिकॉर्डिंग का काम है दनादन कंप्लीट किया जाएगा क्योंकि सिलेक्शन का काम तो पहले से हो चुका है। तो हो सकता है कुछ गाने का शूट लंदन में भी किया जाए, हालांकि एक्ट्रेस ज़्यादा वहाँ पे नहीं है, दो तीन ही एक्ट्रेस हैं। तो हो सकता है उन्हीं के साथ इस बार होली सॉन्ग एक दो वहाँ भी शूट किया जाए, उसके बाद सीधा आके यहाँ पे अटैच करके आप लोग बीच में रिलीज कर दिया जाए। और कुछ गाने हैं जो कि यहाँ पे भी शूट किए जाएंगे और बॉलीवुड का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आएगा इस बार होली में, तो आप लोग थोड़ा तैयार रहिएगा। हालांकि सभी स्टार लोग अपना गाना लाना शुरू कर दिए हैं लेकिन पवन सिंह की यही अदा है, थोड़ा लेट लाते हैं, सभी लोगों को मौका भी देते हैं। चलिए दोस्तों अगर अभी बात करें पुष्पा मूवी को लेकर के, तो पुष्पा मूवी बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है साउथ इंडस्ट्री की। अल्लू अर्जुन इसमें बहुत ही अच्छे किरदार में नज़र आ रहे हैं। रश्मिका मंदाना है जो कि इस फिल्म की हीरोइन है। तो अगर पवन सिंह इस मूवी में होते तो बहुत ही एक्शन मूवी कर पाते क्योंकि पवन सिंह को हमेशा एक्शन फिल्में ही पसंद आती हैं करना, और एक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर पाते हैं। और ये साउथ की एक ऐसी मूवी बन चुकी है जो कि सबसे अपने कल्चर को दर्शाती है सबसे पहली बात तो, और इस चीज़ को लेकर के बहुत खुशी होती है कि एक मूवी ऐसी भी जो कि अपने कल्चर को दिखाते हुए जहाँ 100 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई कर चुके। खैर आप लोग ये चीज़ कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें, पवन सिंह इस किरदार में होते थे कितना कुछ बेहतर कर पाते, कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहते हो रहा।